तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे ज़िंदगी में सबसे बेकार दिन, फिर सबसे मुश्किल घड़ी जिसमें अपलोड भी नहीं कर पाया, ना कंटेंट बन पाया, कुछ नहीं हो पाया। और आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे एयरटेल और जियो ने मेरी वाट लगाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 2 फरवरी 2021 की, जिस दिन सुबह मैं उठा और मैंने देखा कि मैंने 2G में और ऊपर डेटा कनेक्शन ऑन हुआ ही नहीं। पता नहीं क्या कारण था, मुझे लगा कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा, सब कैसे हुआ होगा, तो मैंने छोड़ दिया। वैसे भी उसके कुछ 5 दिन बाद ही मेरा पैक ख़त्म होने वाला था, तो मैंने देखा कि सुबह नेट चला नहीं, तो सोचा कुछ टेक्निकल एरर होगा, थोड़ा बाद में देखते हैं। थोड़ा देखा, 5-10 मिनट 1 घंटा हो गया, फिर मुझे मालूम पड़ा कि क्या हो रहा है भाई, कब से डेटा भी ऑन नहीं हो रहा है। थोड़ा शक हो गया तो मैं आगे देखा, मतलब कि आजू बाजू से पूछा कि भाई तुम्हारा चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हुआ है, सबका कनेक्शन कट हुआ था कुछ 5 मिनट के लिए, पहले एक बार हुआ था। तो मैंने इसे सोच के मतलब पूछ के देखा, फिर सब लोग बोलने लगे कि मतलब सबका चल रहा है। तो मुझे लगा भाई क्या हो रहा है, खाली मेरा थोड़ा ना अकेले चल नहीं रहा है। फिर सोचा मैंने कि चलो देखते हैं कि एक दिन ऐसा हो गया होगा, तो फिर देखा अगले दिन वही प्रॉब्लम है। और वैसे पिछले दिन भी मैंने सारे ट्राई कर दिए थे, मतलब कि मैंने रिबूट किया था, ऑफलाइन मोड किया था, एरोप्लेन मोड जो भी, मैंने सिम को निकाल के भी डाल के देखा, दूसरे मोबाइल में डाल के देखा, और मैं आपका अपना क्या बोलते हैं EPN होता ना, एक्सेस पॉइंट नेटवर्क, वो भी मैंने रिसेट किया, लेकिन वो तो मेरे यूनिनॉर में था, क्योंकि ऐसे मेरा एक्चुअल में एयरटेल नहीं है, यूनिनॉर था, फिर वो टेलीनॉर हुआ, अभी टेलीनॉर में एयरटेल ने खरीद लिया, तो टेक्निकली एयरटेल हो गया। लेकिन फिर भी क्या बोले, अभी EPN से कुछ बना नहीं तो छोड़ दिया मैंने। फिर 5-6 दिन होने में था, मतलब वो नेट पैक ख़त्म होने में, फिर मैंने कस्टमर केयर से फ़ोन लगाया, बोला कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जिस दिन कट हुआ था मतलब कि 2 फरवरी को, लेकिन उन्होंने बोले कि हमारी तरफ सब चीज़ सही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हमारी तरफ, चला ये नेट, लेकिन चला नहीं। फिर अगले दिन भी हुआ, तो मैंने उनको बोला ऐसा है, तो वो लोग बोले कस्टमर केयर में दिखाओ, लेकिन मैं पूछ के देखा, मुझे अभी मिला नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। अभी मैंने सोचा कि चलो मैं जियो का सिम है ना, तो चलो वो चला लेते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ पे जियो का सिम लिया था उस जगह में सिर्फ जियो के अलावा कोई और सिम चलता ही नहीं था, ऐसे गाँव था वो, वहाँ पर बहुत अच्छा चला। मैंने जो लास्ट टाइम किया था ना ये माइनक्राफ्ट का, वो सारे मैंने उससे किया था, तो चलो मैंने सोचा कि चलो वही ट्राई कर लेते हैं। 1 महीने का पैक डलाया मैंने, जो डलाया ना पैक इतना बेकार चला ना, पूछो ही मत। अगर आपको लगेगा ना कि टावर अच्छा है लेकिन है नहीं वैसे, इसलिए मैं जब आप डेटा चलाओगे ना तो ऊपर फुल टावर रहेगा, जब आप डेटा ऑन करोगे ना फिर भी फुल टावर रहेगा, लेकिन जब आप जाओगे यूट्यूब में तो एक टावर कम हो जाता है। और जैसे अगर मैं गेम खोलूँ जैसे कि पबजी हो या मैंने मलेशिया हो या क्लैश ऑफ क्लैंस हो, तो एक और टावर गिर जाता है, जैसे कि 2 टावर तो हमेशा कम रहता है, मतलब 4 में से 4 में हमेशा 2 टावर कम, जिससे क्या होता है पिंग हाई होता है, पिंग हाई होने से क्या होता है गेम एकदम स्लो लगता है, एकदम किल विल एकदम मस्ती से मिलते नहीं है। वैसे प्रॉब्लम था, मैंने भी कितनी बार बोला फ़ोन करके उन लोगों को, कस्टमर केयर वाले को, लेकिन उन्होंने कुछ किए ही नहीं, बस ये बोलते गए हम देखते हैं अब क्या बोले अभी। तो मैंने उनको भी ऐसे बोल के ऊपर बंद कर दिया कि चलो जाने दो, क्या करेंगे अभी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा एयरटेल कस्टमर का शोरूम। तो फिर मुझे मिल गया कस्टमर केयर, मान जाए कि मैंने सब पूछा ये है करके, तो पता नहीं जैसे मैं वहाँ पर गया ना, तो 1 महीने से मतलब ये कर गया था मैं, कल 2 दिन पहले कुछ गया था मैं, जैसे वहाँ पे गया मैं मुझे पर 4G दिखाया, मैंने सोचा भाई ये क्या हो रहा है, इतने दिन से 4G नहीं था, अब 4G आ गया अचानक से। तो मैंने पूछा तो चलो जाने दो, छोड़ देगा मतलब क्या पूछे। तो मैंने 48 का पैक डाला है 3GB वाला, फिर देख रहा हूँ पैक डालने के बाद तो चल ही नहीं रहा, पर 4G आ गया फिर भी, तो एयरप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ किया, मतलब ऑन करके ऑफ किया, फिर भी डेटा, फिर मैं फिर से डेटा 2G में हो गया, फिर से मेरा वो हुआ ही नहीं 4G में। लेकिन कम से कम इस बार इतना तो हुआ कि कम से कम 2G में था लेकिन डेटा चला। जब पहले हुआ था ना 2 तारीख का, तब तो मैं डेटा ऑन हुआ ही नहीं, पता नहीं क्यों, किसी भी डिवाइस में डाला तो किसी में डेटा ऑन नहीं हुआ, इस बार ऑन हुआ। तो मैंने उनको दिखाया, तो लोगों ने बोले कि ये तो इतना अजीब प्रॉब्लम है, जब आएगा तब आएगा। तो मैंने उनको पूछा कि मैं पोर्टल टूल लो क्या, मतलब कि एयरटेल गुजरात से एयरटेल तमिलनाडु कर लो क्या, तो मुझे जरा ट्राई करते हैं, तो ट्राई करने में सक्सेस हो गया, और उसके लिए कुछ 10 रुपये देना पड़ा को मैसेज करने के लिए, वो भी फ्री में कर दिया वो लोगों ने, पैसा नहीं लिया नहीं। और बस दुख इस बात का था कि मतलब गुजरात के सिम को तमिलनाडु में करने के लिए यही था कि कस्टमर केयर से फ़ोन करने के लिए तो लैंग्वेज थोड़ा अलग सपोर्ट होगा, उसके लिए बस ये गुजराती का थोड़ा अलग अलग मैसेज आता था, इसके लिए मुझे अच्छा लगता था। खैर कोई नहीं, जब मैंने पोर्ट आउट किया और मैंने आज देखा, क्या सुबह देख रहा हूँ भाई क्या हो रहा है, मेरा डेटा आ गया 4G में, ये ओरिजिनल सिम में, मैं तभी चौंक गया, ये क्या बात है भाई, इतना जुगाड़ किया, सिम पोर्ट आउट कर दिया मैंने, अब जाके आ रहा है। खैर कोई नहीं, जब तक ये आएगा तो आएगा। तो मैंने सोचा कि चलो भाई जब तक आ रहा है
चला लेते हैं कम से कम, चलो 4G आ गया कम से कम बिछा ऐसा। मैंने गेम प्ले देखा भाई, गेम प्ले बहुत मस्त चला, पिंग तो मेरा कम से कम पूरा आधा कम हो गया जितना जियो देता था मुझे। अगर आपको यकीन नहीं जियो कितना बेकार देता पिंग मेरे को, तो ऊपर वीडियो जाकर देख लेना ज़रूर, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कितना बेकार पिंग है, मैं कितनी बुरी तरीके से मार खाया हूँ, ज़रूर चेकआउट करना। इस वजह से मैं एक मिनट अपलोड भी नहीं कर पाया, बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरा कंटेंट रिकॉर्ड करने के लिए कुछ बनाया नहीं, इतना बेकार नेट चल रहा था। लेकिन अपलोड क्वालिटी अच्छा था, लेकिन अपलोड स्पीड बहुत हाई था, लेकिन बताने के लिए जब मैं गेम खोलता हूँ 2 टावर कम हो जाते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आया। और उनसे पूछा कस्टमर केयर से तो फिर भी वो लोग ये बोले कि हमसे कुछ गलती नहीं हुई। अभी क्या बोले, नशे भी ख़राब है। चलो अभी चल रहा है मेरा एयरटेल, लेकिन फिर भी पोर्ट आउट हो जाएगा एक दिन में, बस ये दुख हो रहा है। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो एयरटेल से एयरटेल मांगे हूँ, खाली ये डेटा नहीं चलने की वजह से 4G। चलो अच्छी बात है, सिर्फ APN से ठीक हो जाएगा, आगे ऐसा प्रॉब्लम ना आया मैं ऐसा करता हूँ। और ये मुझे अपनी कहानी बताना पड़ गया, और रिकॉर्ड करने के लिए मुझे टाइम मिला नहीं, बहुत दिन से सोच रहा हूँ, मुझे कोई जगह ही नहीं मिला, टाइम भी नहीं मिला, अभी मुझे मौका मिल गया तो रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने। तो चलो बस अभी से सोचूंगा जल्दी से फटाफट रिकॉर्डिंग करके डालूँ वीडियो में। तो आज की वीडियो बस इतना ही था, तो मिलते हैं वीडियो में, तो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।